ये है इंडिया के टॉप 5 और बाजार यहाँ मिलता है सब कुछ, मोबाइल से लेकर गाड़ी तक। आज हम आपको देश के 5 ऐसे बड़े बाजारों के बारे में बता रहे हैं जहाँ चोरी का सामान मिलता है। यहाँ चोरी के जूते, फोन, मोबाइल, गैजेट्स, ऑटो पार्ट्स से लेकर कार तक बेची जाती है। देश के इन चोर बाजार में चोरी की गाड़ी को मॉडिफाई करके बेचा जाता है। यहाँ अपनी गाड़ी या बाइक खड़ी करना खतरे से खाली नहीं है। गलती से आप अपनी गाड़ी पार्क कर देंगे तो हो सकता है कि उसके स्पेयर पार्ट्स चोर बाजार की दुकानों पर नजर आएं। जानते हैं देश के ऐसे बाजारों के बारे में। मुंबई चोर बाजार। मुंबई चोर बाजार। मुंबई का चोर बाजार दक्षिणी मुंबई के मटन स्ट्रीट मोहम्मद अली रोड के पास है। ये मार्केट करीब 150 साल पुराना है। ये बाजार पहले शोर बाजार के नाम से शुरू हुआ था, क्योंकि यहाँ दुकानदार तेज आवाज लगाकर सामान बेचते थे तो यहाँ काफी शोर रहता था। लेकिन अंग्रेज लोगों के शोर को गलत बोलने के कारण इसका नाम चोर बाजार पड़ गया। यहाँ से सेकेंड हैंड कपड़े, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और चुराई हुई घड़ियाँ और ब्रांडेड घड़ियों की रेप्लिका, चोरी के विंटेज और एंटीक सजावटी सामान मिलते हैं। इस मार्केट के लिए कहावत कही जाती है कि यहाँ आपके घर से चोरी हुआ सामान भी मिल जाएगा। मुंबई जाने पर चोर बाजार जरूर घूमें। क्या है फेमस यहाँ के रेस्तरा और कबाब काफी फेमस है। यहाँ जेब काटने वालों से सावधान रहें। कब खुलता है ये मार्केट? रोजाना सुबह 11 बजे से शाम के 7:30 तक खुला रहता है। यहाँ के किस्से भी फेमस हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि मुंबई की यात्रा के दौरान क्वीन विक्टोरिया का सामान शिप में लोड करते समय चोरी हो गया था। यही सामान बाद में मुंबई के चोर बाजार में मिला। दिल्ली का चोर बाजार। चोर बाजार दिल्ली, ये देश का सबसे पुराना चोर बाजार है। पहले ये संडे मार्केट के तौर पर लाल किले के पीछे लगता था। अब ये दरियागंज में नावेल्टी और जामा मस्जिद के पास लगता है। ये बाजार मुंबई से अलग है। इसे कबाड़ी बाजार भी कहा जाता है। यहाँ हार्डवेयर से लेकर किचन इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता है। कब लगती है मार्केट? ये मार्केट जामा मस्जिद के पास संडे के दिन लगती है। यहाँ खरीदते समय प्रोडक्ट जांच ले, क्योंकि जैसा वेंडर कहते हैं वैसा प्रोडक्ट नहीं निकलता। यहाँ का किस्सा भी फेमस है। यहाँ के लिए एक स्टोरी फेमस है कि एक आदमी ने यहाँ गाड़ी पार्क की थी। उसे अपनी गाड़ी के टायर दुकान में बार्गेन करते समय मिले। सोतीगंज मेरठ, यूपी। सोतीगंज मेरठ। यूपी के मेरठ में सोतीगंज मार्केट काफी फेमस है। इस मार्केट को चोरी की गाड़ियों और स्पेयर पार्ट्स का गढ़ माना जाता है। यहाँ सभी गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ चोरी, पुरानी और एक्सीडेंट में खराब हुई गाड़ियाँ आती है। मेरठ की सोतीगंज मार्केट एशिया की सबसे बड़ी स्क्रैप मार्केट भी है। कब खुलती है मार्केट? ये मार्केट मेरठ सिटी में सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक खुलती रहती है। यहाँ सामान खरीदने के लिए आपको सही डीलर मिलना जरूरी है। यहाँ क्या है फेमस? सोतीगंज में 1979 की अम्बेसडर का ब्रेक पिस्टन, 1960 की बनी महिंद्रा जीप क्लासिक का गियर बॉक्स, वर्ल्ड वार आई की विलेज जीप के टायर मिल जाएंगे। चिकपेटे बेंगलुरु उच्च पथ मार्केट बेंगलोर। दिल्ली और मुंबई के चोर बाजार के मुकाबले बेंगलुरु कम फेमस है। ये मार्केट बेंगलुरु में चिकपेटे जगह पर संडे के दिन लगती है। यहाँ सेकेंड हैंड गुड्स, ग्रामोफोन, चोरी के गैजेट्स, कैमरा, एंटीक इलेक्ट्रॉनिक आइटम और सस्ते जिम इक्विपमेंट मिलते हैं। ये मार्केट लोकल मार्केट की ही तरह है। कब लगती है मार्केट? ये मार्केट एक गांव के मार्केट की ही तरह संडे के दिन लगती है। कहाँ लगती है मार्केट? ये मार्केट बीवी के आयंगर रोड पर एवेन्यू रोड के पास लगती है। पुदुपिताई चेन्नई, पाधियोपति चेन्नई। सेंट्रल चेन्नई में स्थित ऑटो नगर में पुरानी और चोरी की कारों को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में दुकानें हैं। ये दुकानें गाड़ियों के ओरिजिनल पार्ट्स और कार को बदलने के लिए फेमस है। इन्हें इस काम में इंटरनेशनल एक्सपर्टीज है। यहाँ गाड़ियों के तमाम स्पेयर पार्ट्स से लेकर कार मॉडिफाई का सामान और सर्विस मिलती है। ये चोर बाजार गाड़ियों को बदलने का सबसे सस्ता जरिया है। इस मार्केट में कई बार पुलिस की रेड पड़ी है, लेकिन ये तब भी कभी बंद नहीं हुई है। कब खुलती है मार्केट? ये मार्केट एगमोर ट्रेन स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है। ये सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुली रहती है। यहाँ क्या है फेमस? यहाँ अपनी गाड़ी या बाइक कभी भी पार्क न करें। हो सकता है कि आपको अपनी गाड़ी के पार्ट्स मार्केट की दुकानों पर मिले।